हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी राजन रिवीजन सीरीज़। इससे पहले के पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम विद एक्सप्लेनेशन कवर कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टोरी एंड नॉवल। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। कंपैरिजन बिटवीन स्टोरी एंड नॉवल, तो डिफरेंस क्या होता है एक स्टोरी और नॉवल में। स्टोरी, अ स्टोरी इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर। स्टोरी क्या है? हमारी एंशियंट फॉर्म है, पुरानी फॉर्म है लिटरेचर की। बल्कि नॉवल क्या है? नॉवल इज़ अ न्यू फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टोरी इज वन, दैट इज इंजॉयमेंट। स्टोरी का मोटिव रहता है इंजॉयमेंट, बट नॉवल का मोटिव क्या रहता है? नॉवल का मोटिव रहता है कोई सब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव। एक नॉवल का मोटिव क्या होता है? नॉवल सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होती, इंजॉयमेंट इज वन ऑफ देम, बट नॉवल के उसके अलावा भी बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फेमिनिस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल हो। सो नॉवल के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट रहते हैं। द स्कोप एंड एरिया ऑफ अ स्टोरी इज स्मॉल। क्योंकि स्टोरी स्मॉल होती है तो उसका एरिया और उसका स्कोप स्मॉल रहता है। अ नॉवल हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप। अ स्टोरी इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग। स्टोरी छोटी सी होती है, दो चार पन्नों की होती है, कुछ वर्ड्स की होती है, तो वो हम एक बार में बैठ के पढ़ कर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नॉवल ऐसा नहीं होता। अ नॉवल इज ऑलवेज अ बुक फॉर्म, इट कैन नॉट बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग। नॉवल क्या होती है? नॉवल बुक फॉर्म में होती है, और एक ये एक सिटिंग में हम इसको फिनिश नहीं कर सकते कि बुक लेके बैठे वो पढ़ गई और पूरी एक बार में हम फिनिश उसको नहीं कर सकते। द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इज रियल एंड नेचुरल। जो स्टोरी का लैंग्वेज होता है, जो फॉर्मेट होता है हमारी स्टोरी का, वो बहुत कॉमन और बेसिक फॉर्मेट होता है। नेचुरल लैंग्वेज होती है, ईजी लैंग्वेज होती है। लेकिन वहीं नॉवल की जो लैंग्वेज होती है, इट एम्प्लॉयज़ करेक्ट लैंग्वेज और स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो नॉवल का जो लैंग्वेज होता है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। कभी आपने नॉवल देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी स्टोरी की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही अलग फॉर्मेट में लिखी जाती है नॉवल। अ स्टोरी हैज़ नो थीम, द थीम इज सोल ऑफ द नॉवल। वॉट आर दे सेइंग? उसके हिसाब से नॉवल का जो थीम होता है वो सोल होता है नॉवल का, लेकिन स्टोरी में कोई थीम नहीं होता है। कंपैरेटिवली अगर स्टोरी और नॉवल को देखें तो स्टोरी में कोई थीम नहीं होता, लेकिन अगर हम स्टोरी को सोलली, अगर अलग करके हम एक स्टोरी को देख रहे हैं तो स्टोरी में थीम होता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, इसलिए हमने ये बात लिखी है दैट स्टोरी हैज़ नो थीम, अदरवाइज स्टोरी हैज़ अ थीम। स्टोरी के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होता है। अ स्टोरी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इवेंट और सिचुएशन। एक स्टोरी क्या होती है? कोई सिचुएशन, कोई इवेंट को डिस्क्राइब करती हुई। लेकिन नॉवल क्या होती है? नॉवल में बहुत सारे इंसिडेंसेस और इवेंट्स हो रहे होते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू एनी इवेंट ऑफ द लाइफ। स्टोरी में क्या होता है? कोई भी एक इवेंट हो रहा होता है, लेकिन नॉवल क्या होता है? रिलेटेड टू द होल लाइफ। इट इज़ रिलेटेड टू द होल लाइफ एंड हैज़ सेवरल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। नॉवल में क्या होता है? पूरी लाइफ को डिस्क्राइब कर रही होती है और उसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत सारे मूड्स होते हैं। लेकिन स्टोरी में ऐसा नहीं होता, स्टोरी एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रही होती है और एक ही टोन में चलती है। अ स्टोरी हैज़ इफेक्ट ऑन द रीडर। स्टोरी का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? स्टोरी का इफेक्ट होता है रीडर्स पे। वाइल द नॉवल हैज़ इफेक्ट ओवर द लाइफ सर्कल और द लाइफ स्टाइल ऑफ द सोसाइटी। लेकिन जो नॉवल का ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्टाइल। नॉवल हमें लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल के बारे में बताती है। अभी हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरी, स्टोरी में क्या डिफरेंसेस और नॉवल में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने स्टोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था और नॉवल के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था साथ में। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी के सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग से निकाल कर हमको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन? द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टोरी हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये हैं, अ स्टोरी इज अ स्मॉल कॉम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। छोटा सा कॉम्पोजिशन होता है। इट इज अ स्मॉल प्रोज विच इज डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव। ये चाहे तो डिस्क्रिप्टिव होता है या फिर नरेटिव होता है। इट इज़ एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग अ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को हम स्टोरी के थ्रू ही सिखाते हैं चीज़ें, तो इट इज़ एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ एजुकेशन। इट इज़ द नीड ऑफ अवर माइंड विच प्रोवाइड्स मेंटल सेटिस्फैक्शन। इट इज़ वेरी यूजफुल लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है स्टोरी से टीचिंग।
A story presents the real life situation event in attractive and artistic way. एक अलग तरीके से artistic way में और attractive way में हमें real life की चीज़ें situation कोई हमें moral of the story artistic way में present करी जाती है जिससे कि हम सीख सकें उससे कुछ. A story is a small descriptive composition which is read in one sitting. ये हमें अभी जाना था कि हम एक बार में बैठ के स्टोरी छोटी सी होती है हम उसको एक बार में पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं. स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. स्टोरी टेलिंग एक इफेक्टिव मेथड है टीचिंग का. द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ द रीडर. रीडिंग स्टोरी का मेन मोटिव क्या रहता है? स्टोरी का मेन मोटिव रहता है एन्जॉयमेंट ऑफ द रीडर. वो रीडर को एम्यूज करने के लिए इन्जॉय करने के लिए पर्पज से लिखी जाती है. अ स्टोरी हैज़ इट इफेक्ट्स ऑन द रीडर. स्टोरी कास्ट इट्स इफेक्ट ऑन रीडर. स्टोरी का इफेक्ट होता है रीडर पे. हमने अभी जाना था लास्ट पॉइंट क्या था हमारा स्टोरी और नॉवल में डिफरेंस का, कि स्टोरी कास्ट इट्स इफेक्ट ऑन रीडर वाइल द नॉवल कास्ट इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी. नॉवल का इफेक्ट आता है सोसाइटी पे एंड स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हम पे उसका इफेक्ट आता है. द लैंग्वेज ऑफ अ स्टोरी इज़ रियल एंड नेचुरल नॉट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. स्टोरी की जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल रियल और नेचुरल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज. अ स्टोरी हैज़ नो थीम एंड इट मे और मे नॉट हैव कैरेक्टर. स्टोरी का कोई पर्टिकुलर थीम नहीं होता है कि इसके ऊपर स्टोरी लिखी गई है. ओके उसका मॉरल हो सकता है, स्टोरी कोई आपको शिक्षा दे रही होगी. उसके अंदर के ज़रूरी नहीं है बहुत सारे कैरेक्टर्स हों स्टोरी में. कोई कैरेक्टर फॉर्मेशन स्टोरी का पार्ट नहीं होता है. इट इज़ रिलेटेड टू एनी इवेंट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन टू ओवरकम. इट हैज़ द क्यूरियोसिटी एंड एंगजाइटी. जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या रहता है, अब आगे क्या होगा, ये जो क्यूरियोसिटी रहती है हम कि आगे क्या होगा जानने की इच्छा रहती है, तो स्टोरी वो चीज़ बिल्डअप करती है. और स्टोरी बेस्ड होती है किसी रियल लाइफ इवेंट पे, सिचुएशन पे, प्रॉब्लम पे. तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोरी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिबेट इन इंग्लिश टीचिंग. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, डिबेट इज़ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ क्वेश्चन बिफोर एन ऑडियंस इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड एज अ कॉम्पिटेटिव इंटरमुरल और इंटर स्कूल स्टूडेंट्स एक्टिविटी. In debate, two or more students discuss on a scheduled topic in the class and try to bring out some convincing solution of the problem or matter or dispute incident. जिस incident को, जिस dispute को या जिस परेशानी को, problem को हम discuss कर रहे हैं उसकी दोनों तरफ बात करी जाती है, उसके favor में भी बात कही जाती है, उसके against भी बात करी जाती है और एक solution निकालने की कोशिश की जाती है. Debate क्या होता है? Debate एक activity होती है. एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है आर्ग्यूमेंट्स का जो कि दोनों साइड्स पे चलता है, उसको पॉजिटिव लेकर भी और नेगेटिव लेकर भी. तो डिबेट के क्या एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं डिबेट के. डिबेट इज़ कंसर्न विद बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैटर एज अ टॉपिक ऑफ डिबेट इज सिलेक्टेड. द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड दे हैपन टू स्पीक इन फेवर और इन द अगेंस्ट ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक बिफोर अ पैनल ऑफ जजेस फॉर द जजमेंट. तो डिबेट के थ्रू टीचिंग में क्या रहता है, एक क्लास है, क्लास को ऑर्गेनाइज किया. जैसे हम डिक्टेशन गेम्स खेल रहे थे, स्पेलिंग के लिए गेम्स खेल रहे थे, वैसे ही हम क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो ग्रुप्स बना देंगे. नाउ एक टॉपिक दे देंगे, कुछ बच्चे उसके फेवर में बोलेंगे, कुछ बच्चे उसके अगेंस्ट में बोलेंगे. एंड फॉर द जजमेंट ऑफ दैट इवेंट और एक्टिविटी, उस इवेंट के जजमेंट के लिए जजेस आउटसाइडर्स हो सकते हैं या फिर दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं. Thereafter, students put their views before the class one by one. एक एक करके अपने views रखते हैं. All the students take part in discussion jointly. सारे ही बच्चे उसमें participate करते हैं एक साथ. At last, the president presents the comments with the help of the panel of judges as to which group has succeeded in giving adequate solution to the problem in the question and debate is over. So now at the end क्या होता है, जो भी ग्रुप ऑफ जजेस होता है वो एक अपना पैनल ने डिसीजन दिया, उस पैनल के डिसीजन को एक प्रेसिडेंट या फिर हेड जज होता है वो उस पास करते हैं कि ये डिसीजन है हमारा. एंड सारे बच्चे जो होते हैं एक एक करके अपने रिव्यूज देते हैं एंड जो भी आपको बेटर सोल्यूशन देता है, जो एडिक्वेट सोल्यूशन देता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, तो वो विन करता है एंड देन डिबेट इज ओवर.
डिबेट हैज़ ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन टीचिंग और लर्निंग ऑफ लैंग्वेज. मेरिट्स ऑफ डिबेट्स आर गिवन बिलो. एक क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है, वॉट आर द मेरिट्स ऑफ डिबेट, तो उसके फायदे क्या हैं, वॉट आर द मेरिट्स. फर्स्ट, डिबेट डेवलप्स फ्री थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड टॉपिक. जो भी टॉपिक उनको दिया है उस टॉपिक के ऊपर वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फ्रीली बोल पा रहे हैं, तो डिबेट से क्या होता है, उनकी फ्री थिंकिंग डेवलप होती है. इट रिमूव्स हेजिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इनेबल्स देम टू डिलीवर लेक्चर बिफोर द ऑडियंस. इस चीज़ से क्या रहता है, डिबेट के थ्रू क्या हो जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि वो एक ऑडियंस के सामने बोल सकें. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर डीपली टू पार्टिसिपेट इन डिबेट. इन दिस वे डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो डिबेट इज़ यूजफुल. वाई, अगर कोई टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है आपके सिलेबस में से, देन वो आपके लिए ईजी हो जाता है. अब आप डिबेट के लिए, डिबेट प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, उस टॉपिक को डीप स्टडी करेंगे. जब आप उसको डीप स्टडी करेंगे तो आपका अकेडमिक का, आपका सिलेबस का भी एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा. सो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रॉफिटेबल है. इट डेवलप्स अ हेल्दी सेंस ऑफ राइवलरी इन स्टूडेंट्स. राइवलरी क्या होता है, अब हम यहाँ पे बहस करते हैं, हालांकि हम सामने वाले की बात को काट रहे हैं, हम उसके पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, बट ये हेल्दी सेंस ऑफ राइवलरी है. कोई लड़ाई दंगे वाली चीज नहीं होती है, कोई लड़ाई बहस वाली चीज नहीं होती. एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट के बिहेवियर को हम यहाँ पर डेवलप कर पाते हैं. इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स, और इस चीज करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री टीचिंग. पोइट्री फास्टेंस अपॉन एन ऑब्जेक्ट एंड टर्न्स इन टू द शेप ऑफ ब्यूटी और इट सीम्स इटर्नल ब्यूटी इन ऑर्डिनरी एंड कॉमन थिंग्स. इट रेजेज द मटीरियल वर्ल्ड टू अ हायर स्टेट्स. वॉट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग पोइट्री क्या करती है, जो ऑर्डिनरी थिंग्स है, कॉमन थिंग्स है, उसमें भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी ढूंढ करके पोइट्री इसको दिखाती है और रेज करती है मटीरियल वर्ल्ड से ऊपर, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे ऊपर, उनसे वर्ल्ड में उनके हायर स्टेट्स को शो करता है. तो बेसिकली पोइट्री क्या करता है, पोइट्री शोज द बेटर फॉर्म ऑफ थिंग्स. द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इज इमेंस. It leads to an all-round development of the whole personality of people, particularly the emotional, imaginative, intellectual, aesthetic, and intuitive sides. What are they saying? Poetry क्या करती है? Every student has some inner qualities. हर बच्चे में कुछ ना कुछ quality होती है. तो when you are going through the poetry, जब आप poetry पढ़ रहे हैं, तो कुछ emotional, कुछ imaginative, कुछ intellectual, कुछ अलग side आपका निकल के आएगा बाहर. The study of the poetry affords a great opportunity for these aspects of the personality to develop, which may remain undeveloped in purely intellectual curriculum. What are they saying? If it is not taught intellectual curriculum में अगर रहेंगे तो इस चीज़ ये सारी चीज़ें, ये सारी personality के aspects जो भी होते हैं वो बाहर निकल करके नहीं आ पाते, show ही नहीं हो पाते हैं student में. By teaching them the best poetry that is within their reach, we are giving the people a mean of emotional expression and astral perception. What are they saying? They are saying कि एक emotional perception, एक aesthetic perception हम बच्चे को दे पाते हैं, a state of highlighted awareness of sensitivity. उसके अंदर sensitivity regarding the nature, beauty, emotion, इन सारी चीज़ों को generate कर पाते हैं. That is generated by streaking imaginary rhythm, rhyme and devices of pattern and arrangement. जो भी poetry जिस तरीके से arrange है, जो भी वो pattern follow कर रही है, उस poetry के through हम बच्चे में कुछ emotion, कुछ personality के traits अगर उसके अंदर हैं तो वो उसको enhance कर पाएँ, और नहीं है तो at least वो बीज जो हैं उन personality traits के हम उस बच्चे के अंदर डाल सकें. That's why at secondary level poetry teaching is important. तो क्वेश्चन यही था हमारा कि पोइट्री टीचिंग ज़रूरी क्यों है सेकेंडरी लेवल पे. सेकेंडरी लेवल पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कुछ ऐसे ट्रेट्स बच्चे के अंदर निकाल के लाती है जो अनडेवलप्ड रह जाएंगे अगर हम पोइट्री नहीं पढ़ाएंगे. गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द टीचिंग पोइट्री इन स्कूल्स. स्कूल्स में हम पोइट्री टीच करते हैं तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट में हमको कुछ बताना है. तो वॉट आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग पोइट्री.
First, the teaching of poetry does not help in acquiring mastery over the different skill of language because the language of the poetry is different from that of prose. जो प्रोज की लैंग्वेज होती है और जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है एंड दिस डज नॉट लेट अस एक्वायर मास्टरी ओवर द स्किल. इससे हम कुछ अपनी स्किल्स को एनहांस नहीं कर पाते. वी कैन नॉट यूज पोइट्री टू एनरिच द वोकैबुलरी ऑफ आवर पीपल बिकॉज देयर आर मेनी वर्ड्स विच आर यूज इन पोइट्री ओनली. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ हम पोएम्स में यूज कर पाते हैं. दे आर जनरली नॉट यूज इन आर डे टू डे लाइफ. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ पोइट्री में यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में तो हम उन्हें यूज ही नहीं करते, तो हम उनको जान ही नहीं पाते और ऐसे वर्ड्स को जान कर भी हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होने वाली. तो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस. आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेटाफोर्स एंड सिमिलीज इन द पोएम्स एंड द पोएम रिमेन्स अनएंजॉयड. वॉट हैपन्स कि पोएम में जो मेटाफर्स यूज करे गए हैं, जो सिमिलीज यूज करे गए हैं, जो पर्सोनिफिकेशंस यूज करे जाते हैं, और भी मेनी ऑफ टर्म्स आर देयर, बहुत सारी टर्म्स हम पोएट्री में यूज करते हैं, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है. हालांकि टीचर उन्हें समझाएगा कि ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब, बट इन स्पाइट ऑफ देम वो उसको रिलेट नहीं कर पाते और उनको वो मजा नहीं आता पोएट्री में. सो पोएट्री रिमेन्स अनएंजॉयड, तो वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं. And when they are not enjoying anything, जब आप कुछ चीज़ को enjoy नहीं कर रहे हो, आपको boring feel हो रही है, तो आप उसको नहीं करोगे. Fourth, English is a foreign language of Indian people. The foreign background of the most English poem is unfamiliar to Indian people. जो foreign background होता है हमारे English की poem का, तो हमारा Indian student का तो background foreign नहीं है, English का background नहीं है Indian का हमारे, तो क्या होता है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएट्री. तो जो पोएम की ब्यूटी है ना, वो उसको समझ पाते हैं ना ही वो उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं. वो पोएम वेस्ट हो जाती है उनके पर्सपेक्टिव से. अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई लैंग्वेज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर समझ नहीं आ रही है तो फिर वो वेस्ट है. सो वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि उनका जो कोर है वो इंग्लिश नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली गुड टीचर हु लव पोएट्री कैन डू फुल जस्टिस टू द टीचिंग पोएट्री. अगर एक टीचर जो टीच कर रहा है पोएट्री, अगर कोई टीचर जो पोएट्री पढ़ा रहा है, वो तभी पोएट्री को जस्टिफाई कर पाएगा जब उसको पोएट्री पसंद होगी. सच टीचर्स आर वेरी फ्यू. और ऐसे टीचर्स जो पोएट्री में इंटरेस्ट लेते हो, हाँ पोएम पढ़ी, पोएम का मतलब पता है, समझा दिया, खत्म बात, लेकिन पोएम को खुद इंजॉय करके, खुद समझ करके, फील करके पोएम को जब हम समझाते हैं स्टूडेंट्स को, तो फिर वो उनको ज़्यादा अच्छी समझ में आती है. और ऐसे टीचर्स मिलते नहीं हैं. इन स्पाइट ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पोएट्री टीचिंग, मेनी स्कॉलर्स थिंक इट इज असेंशियल कीपिंग इन व्यू द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इट. हालांकि पोएट्री के, इंग्लिश पोएट्री के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पांच तो यही हैं. स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश पोएट्री के फेवर में नहीं जाती, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको इरेडिकेट कर दें सिलेबस से या हम उसके साथ ना जाएं. सो वी शुड कीप इन माइंड, और हमें इंग्लिश के साथ जाना चाहिए और उसके एडवांटेजेस को देखना चाहिए. नाउ आई एंड माई वीडियो हेयर स्टूडेंट्स. होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. Thanks for watching this video. Good luck.